हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MS मोहित बिंद। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल पे आपका जो डेली पैक होता है रिचार्ज का, डाटा का जो मिलता है 1 GB 1.5 GB जो भी आप रिचार्ज कराए हैं, तो यूज करते करते लगभग शाम में ही ख़त्म हो जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना पड़ता है या तो इमरजेंसी में डाटा कहीं से लेना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहीं दूसरे जगह रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली माई जियो ऐप में जाके, ये सिर्फ जियो सिम में ही काम करेगा, माई जियो ऐप पर जाके नॉर्मली आप वहाँ से 1 GB डाटा आपको मिल सकता है। 1 GB डाटा के मतलब 5 वाउचर आपको मिलेंगे, मतलब आप लगभग 5 बार मतलब ले सकते हैं। और फिर उससे बाद में आप 11 रुपया पेमेंट कर सकते हैं। ये भी नहीं कि आपने मतलब तुरंत आपको पेमेंट दे के तब रिचार्ज करना, नहीं, आप इमरजेंसी में 11 रुपये का लोन ले सकते हैं कंपनी से, मतलब डाटा ले सकते हैं। 1 GB आपको डाटा मिल जाएगा और ऐसे आपको 5 वाउचर मिलेंगे। ठीक है, आप 5 वाउचर आराम से यूज कर सकते हैं और पेमेंट आप बाद में उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी सुविधा है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करती है। चलिए हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको जियो ओपन कर लेना है, ठीक है, माय जियो ऐप। ठीक है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए मेरे में लॉगिन है। आप में लॉगिन नहीं हो तो पहले लॉगिन कर लीजिएगा, नंबर डाल दीजिएगा, फिर लॉगिन क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, आराम से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सैंडविच बटन पर जाना है, ये 3 लाइनिंग है। ठीक है, यहाँ जाने के बाद ये देखिए इमरजेंसी डाटा लोन, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह देखिए खुल के आएगा, लो डाटा 1 GB इमरजेंसी डाटा लोन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ लिखा है व्हेन यू रन आउट ऑफ डाटा, मतलब आप जैसे डाटा आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है, आप रिचार्ज जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से मतलब ले सकते हैं। ये आपको 11 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, आपको 1 GB के 5 वाउचर मिल सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ये अभी आपको मिल जाएगा, बाद में इसे आप पेड करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरह लोन की जैसे सुविधा देती है कोई भी कंपनी किसी चीज़ में। चलिए इसको मैं प्रोसीड करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह प्रोसीड करने पे इस तरह आ गया। ठीक है, देखिए डाटा 1 GB लिखा है अवेलेबल। ठीक है, ये देखिए 5 है, मतलब 5 वाउचर आपको मिलेंगे, आपको 11 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से सीधे सीधे आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। चलिए मैं करके देखता हूँ। ये देखिए, मतलब ये देखिए आपका नंबर आ जाएगा, ये 1 GB डाटा आ जाएगा। और ये पता है ये प्लान मतलब आपका जो कि इस समय आपके मोबाइल में जो प्लान चल रहा होगा, ये जिस दिन के लिए भी होगा, 24 दिन 28 दिन 56 दिन, ये डाटा तब तक काम करेगा 1 GB। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन के लिए हो चाहे 2 दिन के लिए, जब तक आपके मोबाइल का मेन जो मंथली रिचार्ज आप कराते हैं 1 महीने 2 महीने, वो जब तक रहेगा तब तक ये भी काम करेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम एक्टिव कर देते हैं, एक्टिव नाउ पर। ठीक है, ये देखिए 1 GB का मतलब मुझे डाटा मिल गया है। ठीक है, यहाँ देखिए फीडबैक पूछ रहा है, आप ये से अनुरोध जो भी कर दीजिएगा। यहाँ देखिए नंबर है, बेनिफिट डाटा 1 GB, वैलिडिटी टिल प्लान। ठीक है, ऊपर देखिए नोटिफिकेशन भी आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपका काम हो गया, इसे पेड करना हो तो आप बैक आ जाइए, फिर आप उसी तरह यहाँ 3 डॉट पर चले जाइए, इमरजेंसी डाटा लोन। ठीक है, यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ प्रोसीड करिए। अब ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आपका नीचे एक ये देखिए ऊपर तो दिया, आप चाहें तो एक और ले सकते हैं, लेकिन ये देखिए 1 वाउचर आपका दिया है। ठीक है, मान लीजिए अब आपको इस आपका काम हो गया, अब 11 रुपये कंपनी को आपको देना पड़ेगा कभी ना कभी, तो आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से सीधे यहाँ क्लियर ड्यू पर क्लिक करिएगा। ठीक है, देखिए जब इस तरह आप खोल के आएँगे, जब भी यहाँ खोलेंगे तो इस तरह आपका पेमेंट आ जाएगा। आप UPI ID से, चाहे डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किसी भी चीज़ से पे कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैं इसके आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पे फोन पे चलाते हैं तो UPI ID से पेमेंट कर दीजिएगा, या तो ATM कार्ड डेबिट कार्ड से कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये UPI ID क्लिक करने के बाद यहाँ अपना UPI ID डाल के यहाँ आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका ATM कार्ड का मिल जाता है, मान लीजिए नहीं चलाते हैं तो आपका से अकाउंट तो होगा ही। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ से ATM कार्ड को भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह आ जाएगा, कार्ड नंबर मंथली डालने के बाद आप 11 रुपये पेमेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आराम से कभी इमरजेंसी में फंस गए, आपका डाटा ख़त्म हो गया, तो आप 11 रुपये का लोन ले सकते हैं कंपनी से, 1 GB आपको रिचार्ज मिलेगा, बैलेंस नहीं 11 रुपये नहीं, 11 रुपये में आपको 1 GB डाटा मतलब मिल जाएगा, वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आपका मेन वैलिडिटी रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।